हेलो दोस्तों तो आज फिर मैं हाजिर हूँ दस मिनट वाली सीरीज़ के साथ जी हाँ हम सबकी पसंदीदा मैगी जो भाई मेरी भी और सारे दुनिया की बच्चों की फेवरेट है तो बस एक तरफ गैस पे मैंने मैगी और थोड़े मटर बॉईल होने के लिए रख दिए दूसरी तरफ़ पैन में एक प्याज ऐड किया इसमें देखिए मैंने तेल थोड़ा कम ऐड किया ठीक है ताकि ज़्यादा हेल्दी बने बस इसे बीस तीस सेकेंड चला लेते हैं फिर इसमें एक आलू और एक गाजर ऐड करते हैं दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें इसे हम कवर करके दो मिनट करीब कुक कर लेंगे चलिए चेक कर लेते हैं ये कुक हुए कि नहीं दोस्तों मैं आपके सामने दस मिनट के अंदर बनने वाली कुछ रेसिपीज लाती हूँ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं देखिए ये आधे कुक हो चुके हैं तो बस हम शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे मैगी तो भाई सबकी फेवरेट है और लेकिन सबका बनाने का तरीका बहुत अलग होता है बस उसी से थोड़ा टेस्ट भाई ऊपर नीचे तो इसका हो जाता है टेस्ट में अंतर आना तो लाजमी है दोस्तों बस इसे भी हम थोड़ा चला लेते हैं बस कवर करके एक आठ मिनट पकने देते हैं दूसरी तरफ देखिए हमारे मैगी भी कुक हो चुके हैं तो बस गैस बंद कर देते हैं दोस्तों मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं थोड़ा मैगी खा लूँगी बट इतने टेस्टी होते हैं ना मैगी कि झटपट से वो ख़त्म हो ही जाते हैं क्योंकि बच्चे दोबारा मांग लेते हैं तो भाई अब पहले बच्चों को देना होता है तो चलो बाद में खा लेंगे सोचते हैं पर बाद वाली वो बचती ही नहीं है और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है दोस्तों देखिए अब ये कुक हो चुके हैं तो मैं मैगी और मटर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी काली मिर्च इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है मैं काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा टोमेटो और चिली सॉस ये सॉस मैंने घर पे बनाया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें बस मैगी मसाला और थोड़ा धनिया मैंने ये मैगी फ्रिज में डाल दी थी तो इसका मसाला ना थोड़ा सा जमा जमा जैसा हो गया है और हाँ स्वाद अनुसार नमक डालना ना भूलें दोस्तों बस इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं आपको तो पता है भाई मैगी दो मिनट में नहीं नहीं दो मिनट में तो कभी नहीं होते ये कुक इसे कम से कम तो सात से आठ मिनट लग ही जाते हैं इसको अच्छे से मिला लेते हैं और सच में ना दोस्तों इतनी टेस्टी बनी थी कि खा के तो भाई इस बार तो मैंने भी वीडियो बना रही थी तो भाई मैंने तो अपने लिए अलग से ही रख लिया था तो इस बार ये तो मैं खा पाई जितने मतलब डिलीशस दिख रहे हैं ना उससे ज्यादा टेस्टी भाई खाने में ये लगे थे चलिए दोस्तों सर्व करते हैं धन्यवाद